बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है वो है मूली की भुजिया, जो थोड़ी सी मेहनत के बाद बहुत मज़े की बनती है। चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने मूली ली है 2 केजी और उसके पत्ते और 1/2 केजी पालक। इन सबको धोकर अच्छी तरह से इनकी मिट्टी निकाल दी थी। अब इन सबको रफली चॉप कर लेंगे। इन सब की कटिंग हो चुकी है। एक पतीले में पानी डालकर इन सबको उबाल लेंगे। देखें मूली अच्छी तरह पक गई है। अब मूली को छानकर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मूली को अच्छी तरह से निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल देंगे। पानी निकलने के बाद इस तरह से ड्राई हो गई है। अब कढ़ाई में 250 ml सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच डाल दें। अब इसमें प्याज डालेंगे, 2 अदद दरमियाने साइज की हैं। प्याज को हल्का ब्राउन होने के बाद अब इसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक डालकर भून लें। तीन बड़े साइज के टमाटरों को रफली चॉप कर लिया था वो डालेंगे। दस अदद हरी मिर्चों को कटिंग करके डालेंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी नरम हो जाए। दो मिनट के लिए कवर कर देंगे। टमाटर अच्छी तरह नरम हो गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मिर्च पाउडर डालकर भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें मूली डालकर मिक्स कर लें। हाफ चम्मच गरम मसाला डाल दें। पाँच से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर रख दें। 6 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह भुजिया तैयार है। आप लोग एक बार ज़रूर
इस तरीके से मूली की भुजिया बनाइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जो भी खाएगा उसको मज़ा आएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।